अभी हम चेक करेंगे, अगर इसके पिस्टन में प्रॉब्लम है तो गाड़ी का पिस्टन तक ही खोलेंगे, नहीं तो अगर क्रैंक में प्रॉब्लम रहा तो हम गाड़ी का पूरा इंजन खोलेंगे। सो आप लोग देख सकते हो पूरा इंजन खोलने पर भी अगर क्रैंक में दिक्कत है तो ही हम पूरा इंजन खोलेंगे, नहीं तो इसका सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए गौरव मोटिफिकेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बाइक रिपेयरिंग की। हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव मोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा बजाज पल्सर का हाफ इंजन किस प्रकार से खोलते हैं और इसी प्रकार की बाइक रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस हिंट नहीं किया होगा तो आप लोग हिंट करो और इसी प्रकार की बाइक रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखते रहो। सो माय फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग अबाउट हाउ टू रिमूव बजाज पल्सर हाफ इंजन और हाफ इंजन का वर्क कैसे करते हैं। पहले पार्ट वन देखो आप लोग और पार्ट टू फिर उसके बाद में बनेगा फिटिंग का, अभी अभी रिमूवल का है। सो माय फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सो माय फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये इसका हेड का टॉप कवर है जिसमें टैपेड और रॉकर्स आते हैं और कैम चेन का जो सिस्टम आता है वो आता है टाइमिंग चेन वगैरह का। सो उसको हम अभी अपन रिमूव करते हैं। सो उसके पहले हम चेक करते हैं इसको। सो माय फ्रेंड्स, इसको रिमूव करने से पहले हमारे को इसके ऊपर की जो नट्स होते हैं वो खोल लेने होते हैं। वो नट्स हमने खोल लिए इसके सारे के सारे। अभी हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, ये है पल्सर का इंजन और इसको किस प्रकार से खोलते हैं वो देखो आप लोग। अभी हम चेक करेंगे, अगर इसके पिस्टन में प्रॉब्लम है तो गाड़ी का पिस्टन तक ही खोलेंगे, नहीं तो अगर क्रैंक में प्रॉब्लम रहा तो हम गाड़ी का पूरा इंजन खोलेंगे। सो आप लोग देख सकते हो पूरा इंजन खोलने पर भी अगर क्रैंक में दिक्कत है तो ही हम पूरा इंजन खोलेंगे, नहीं तो इसका सिर्फ हेड सिलेंडर का जो वर्क है वो करेंगे। इसके अंदर डबल प्लग वाला गाड़ी है माय फ्रेंड्स, ये डबल प्लग वाला, इसको DTSI प्लग आता है, एक पाइप आता है इसमें, नीचे एलएन की लाके दूंगे, एलएन की है उसके अंदर, एक एलएन की आती है छोटी पतली वाली, वो लेके वो पूरा बॉक्स उठाला एलएन की। हाँ, सो माय फ्रेंड्स, इस प्लग के जो स्लीव है उसके नीचे एक छोटा सा एलएन की का नट आता है जिसमें वो छोटी एलएन की लगती है जो कि 2.5 नंबर की आती है माय फ्रेंड्स, 2.5 नंबर की एलएन की उसके अंदर लग जाती है, 2.5 से 3 नंबर की। पहले 2.5 नंबर की आया करती है, अभी UG4 के अंदर 3 नंबर की आती है जो कि हम देख सकते हैं। और उसको खोलने का नीचे से है, लूज़ करना पड़ता है माय फ्रेंड्स, थोड़ा सिर्फ लूज़ ही करना होता है। लूज़ करने से हमारा जो पाइप के ऊपर जो उसका टेंशन होता है नट का वो निकल जाता है, फिर उसके बाद में पाइप हमारा आसानी से निकल जाता है क्योंकि नट उसको क्या है लॉक करके रखता है पाइप को ताकि वो निकल लेना और इधर उधर हिले ना, इसलिए उसको लॉक होता है माय फ्रेंड्स ये एलएन की के नट का। सो आप लोग देख सकते हो उसको ढीला करने पर ये खुल जाता है। अब इसको हम प्लास के जरिए निकाल सकते हैं। पहले हमारे को इसको हथौड़ी से पंच करना होगा और उसके बाद में हमारे को इसको प्लास से पंच करके, यानी पहले हथौड़ी से पंच करके फिर बाद में प्लास से उसको खींचना होगा माय फ्रेंड्स, पुल करना होगा। पहले हथौड़ी से इसको पंच करना होगा फिर बाद में प्लास से इसको खींचना होगा। सो माय फ्रेंड्स, हम इसको प्लास से खींचते हैं फिर उसके बाद में निकल जाता है आसानी से। और इसी प्रकार से इसका जो स्लीव है प्लग का वो निकल गया है। इसके अंदर 2 रबर रिंग भी आती है माय फ्रेंड्स जो कि ऑयल को लीकेज नहीं होने देती। वो रबर रिंग ख़राब होने पर साइड से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है माय फ्रेंड्स, वो अभी तो इसका सही है, इसका मतलब ऑयल नहीं आ रहा था वहाँ से, बट अपन उसको चेंज कर देंगे क्योंकि अपन इंजन का काम कर रहे हैं इसका, हाफ इंजन का, ठीक है। अब हम इसका चेन टेंशनर खोलते हैं। चेन टेंशनर जो है 8 नंबर के इसको नट्स आते हैं, 8 नंबर के रिंग पाने से खोल लेते हैं फटाफट और उसके बाद में चेन टेंशनर निकाल के, अब ये जो ऊपर का है इसको बड़े पेचकस से यहाँ पर थोड़ा सा पुश करके, नीचे से पीछे वाशर लगा होता है एक, उसको पुश करने के बाद ये कैम इसकी निकल जाती है। व्हील खोलने की ज़रूरत नहीं होती है माय फ्रेंड्स इसमें, अगर हम व्हील खोलते हैं तो उसमें क्या है थोड़ा हमारे पार्ट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उसको फिर रखने में दिक्कत आती है, इधर उधर कहीं खो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं,
व्हील खोलने से अच्छा है डायरेक्ट हमारे को कैम के साथ में अटैच उसको खोल लेना पड़ता है, वो टाइमिंग चेन को सटका के निकाल लेना उसको, उसके साथ में चला जाता वो। फिट करने के टाइम पर भी हम उसको वैसे ही फिट कर सकते हैं, टाइमिंग मिलाकर मैग्नेट को टॉप पर लेके और उसके बाद में अपन उसको लगा सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, अब हमारा क्या है, हेड निकालने की बारी आई है। हेड निकालने के लिए बड़ा पेचकच का यूज़ करेंगे और बड़े पेचकच को हम जैसे उसके सेंटर में जहाँ गैप होता है वहाँ पर लगाने के बाद मैं उसको ऊपर उठाता हूँ, ये निकल जाता है माय फ्रेंड्स। और एक बड़ा डवेल आता है माय फ्रेंड्स, इसका बड़ा डवेल जो बहुत ही मस्ट बी इम्पॉर्टेंट होता है इसके अंदर, ये सेंटर आता है हेड का, हेड का और सिलेंडर का सेंटर आता है माय फ्रेंड्स। ये अगर ये नहीं लगाया तो फिर हमारा जो हेड है वो इधर उधर चला जाता है और फिर बाद में उसका सेंटर नहीं आता और वो लीकेज भी मारता है। सो माय फ्रेंड्स, अभी इसमें पिस्टन का काम है और इसमें ऑयल उठा रही है गाड़ी हमारी, गाड़ी ऑयल उठा रही है तो फिर उसमें क्या है उसको काम करना होगा। हमारे को सिलेंडर किट नहीं डाल रहे हम, सिलेंडर किट हमने बजाज का ओरिजिनल लेकर आए हैं, पहले ही पार्ट्स लेकर आ गए अपन इसके। और अभी हम इसका जो ऑयल पम्प का बेंजो नट है उसको रिमूव करते हैं माय फ्रेंड्स। उसको रिमूव करने के लिए हमारे को क्या है, ये 10 नंबर का एक नट आता है इसका, उसको खोलेंगे हम। और उसको खोलने पर फटाफट खोल लेते उसको, और उसके बाद माय फ्रेंड्स सिलेंडर को निकालते हैं। अब नीचे से पुश करके हमारा कोई भी स्पैनर लगाकर हम उसको थोड़ा ऊपर पुश करने के बाद सिलेंडर भी निकल जाएगा। और फिर यहाँ पर एक एल्बो है जो कि हमारे को निकालने में दिक्कत कर रहा है, तो इस एल्बो को पहले हम निकाल लेते हैं खोल के, और उसके बाद में हम सिलेंडर को खोलेंगे। पहले एल्बो के जो नट्स है उसको खोल के रिमूव कर लेते हैं, कार्बोरेटर का एल्बो हमारे को दिक्कत कर रहा है, सिलेंडर को निकालने नहीं दे रहा हूँ। फ्रेंड्स एल्बो तो निकल गए, अभी सिलेंडर निकालते हैं। नीचे एक स्पैनर का हम सपोर्ट करके थोड़ा सा ऊपर पुल करते हैं, जैसे हम ऊपर पुल करेंगे तो सिलेंडर निकल जाएगा माय फ्रेंड्स। पैकिंग में थोड़ा टाइट रहता है, इसमें भी कुछ डवेल्स आती है, दो बड़ी बड़ी डवेल्स आती है, वो डवेल्स सेंटर का काम करती है, मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। अगर हम डवेल नहीं यूज़ करते हैं, नहीं लगाते हैं डवेल को, तो हमारे इंजन के जो फेसिंग सेंटर होते हैं वो नहीं आते हैं, फिर हमारा जो सिलेंडर है इधर उधर जाता है, आउट जाता है, ये रही वो डवेल। सो माय फ्रेंड्स पिस्टन की कंडीशन आप लोग देख सकते हो किस प्रकार का हो गया है पिस्टन। अभी तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इंजन को रिमूव कैसे करते हैं वो बताया है, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम आप लोगों को फिटिंग कैसे करते हैं वो बताएंगे बजाज पल्सर का, और किस प्रकार से हम उसको लगाते हैं फिटिंग करते हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें कनेक्टिंग रॉड का जो कंडीशन है वो अभी फ़िलहाल सही है, कनेक्टिंग रॉड इसका ख़राब नहीं है माय फ्रेंड्स, बेयरिंग भी इसके ठीक है, नहीं तो पूरा इंजन खोल लेते अपन इसका। लेकिन कस्टमर भी बोल रहा था भाई मेरा पूरा इंजन खोल लो खोल लो, लेकिन कनेक्टिंग इसका एकदम सही है, इसलिए अपन इसको नहीं डालेंगे कनेक्टिंग को। इंजन हमारा सही है, यानी कि भाई कनेक्टिंग अच्छा है तो फिर इंजन को नहीं खोलेंगे अपन, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स अब इसको क्या करते हैं अपन, सो माय फ्रेंड्स अब हमारे को इसका क्लच कवर खोलना है, और क्लच कवर खोलने के लिए हमारे को इसका जो एक कवर आता है छोटा सा गोल, उसका नट खोल के उसके पीछे दो नट्स आते हैं, वो नट को भी रिमूव करना है, और क्लच कवर के जितने भी नट्स हैं उन सबको रिमूव करना है। 8 नंबर के नट आते हैं माय फ्रेंड्स, उनको खोलना है अपने को, और वो सारे खोलने के बाद में हमारे को ये क्लच कवर खोलना है। सो माय फ्रेंड्स अभी ये कवर निकालते हैं अपन, और इसका जो 8 नंबर की टी लगती है इसका, ये दो नट भी अपन खोल लेते हैं। सो उसके बाद में अपन इसको खोल लेते हैं। टाइमिंग चेन खराब बता रहे थे और वाल्व खराब बताए थे, पकड़ू क्या इसको, सिलेंडर कौन सा आता है? सिलेंडर वही तो है जो ये काला वाला, इसका ही तो नाम है सिलेंडर। और वाल ये स्प्रिंग वाले है क्या? वाल वो है जो हेड के अंदर, हाँ स्प्रिंग वाले, वो जो ऐसे पंप करते हैं डंडी, वो, हाँ वो जो खिल्ले के जैसे दिखते नहीं उल्टे खिल्ले। टाइम इंजन पकड़ लूंगा
खोलो, पकड़ो पक्का में ही गाड़ी। नहीं में। रुको ऐसे नहीं, बिस्तर नहीं निकलाना अभी, इसको अब खोलो। इसका पाना लाना पड़ेगा, चार मोड़ वाला। सो माय फ्रेंड्स, क्लच के पूरे पार्ट्स अपने खोल लिए हैं गाड़ी के, और इसका जो बैलेंसर है वो भी है, पल्सर का, बजाज पल्सर का बैलेंसर। और ये रहे क्लच कवर के अंदर के पार्ट्स जो कि है सारे, अभी अपन ने खोले हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद में ये उसका हेड का सामान है सारा का सारा, जो अपन ने रिमूव किया है पूरा। और ये है उसके वाल्व जो हम चेंज करेंगे, जो कि कंडीशन आप लोग देख सकते हो ख़राब हो चुकी है, वाल्व की कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, तो ये भी चेंज करेंगे। और मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि क्या क्या सामान अपन ने लेके आ गया। एक तो पैकिंग किट है माय फ्रेंड्स, और एक है इसमें सिलेंडर किट, ओरिजिनल मंगाया है अपन ने, ओरिजिनल सिलेंडर किट डालेंगे। और उसके बाद में इसमें ऑयल है बजाज का, ओरिजिनल बजाज का ऑयल है। और उसके बाद में क्लच प्लेट है माय फ्रेंड्स, प्रेशर प्लेट है, एक उसका जो वो आता है इलेक्ट्रॉनिक मीटर का सेंसर, वो भी चक्के के अंदर लगता है, वो भी हमने मंगाया है, ख़राब था इसका, टूटा हुआ था वायर उसका, सो जॉइंट नहीं हो रहा था वहाँ से, उसको भी किया है। और उसके बाद में एक लॉक सेट मंगाया है इसका, जिसकी आप लोग देख सकते हो, लॉक सेट मंगाया है मिंडा कंपनी का। और उसके बाद में चेन सेट मंगाया है माई फ्रेंड्स, जो नीचे ही है, नीचे नीचे आप लोग देख सकते हो, ये UG4 का चेन सेट है, जो कि आप लोग देख सकते हो, चेन सेट भी मंगा लिया। और ये सारा सामान अपन ने ओरिजिनल मंगाया है माय फ्रेंड्स, ये नारनौल से मंगाया है जैन, हमारे अमित ऑटोमोबाइल्स से, जहाँ से मैं सामान हमेशा परचेस करता हूँ माय फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अभी इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आप लोगों को पूरा असेंबलिंग का वीडियो देखने को मिलेगा, तो स्किप ना करते हुए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।